प्रतिबंधित पंछियों के साथ एक शिकारी गिरफ्तार। सिद्धार्थ नगर जिले के वन विभाग की परिवर्तन दल को प्रतिबंधित पंछियों के साथ एक शिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जबकि एक अन्य शिकारी मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया शिकारी वकील विशिकोहर के हिरवन डी का निवासी है, जबकि फरार शिकारी पकड़े गए शिकारी दोनों भाई बताया जा रहा है। मीडिया को दिए अपने बयान में डीएफओ पुष्प कुमार के ने बताया कि वन दरोगा निखिल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन दरोगा देवेश मिश्रा व क्षेत्र सहायक मोशून्य वारिश के साथ अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ मिली सूचना के मुताबिक उस घर में छापेमारी कर लगभग 50 की संख्या में प्रतिबंधित पंछी पटेरा व वगुला बरामद किया गया। साथ ही एक शिकारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार हो गया, जिसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तार शिकारी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की। हमको तो कल शाम को हमारा वन दरोगा निखिल श्रीवास्तव जी के पास सूचना मिली कि एक जगह पे डोमेरेगंज में बिस्कोहर की जगह पे किसी के घर पे प्रतिबंध पक्षी रखा हुआ है। सो तुरंत तो इन्होंने एक टीम गए थे यहाँ से, वन सुरक्षा का टीम, हमारा निखिल श्रीवास्तव, मोहम्मद वारिस और देवेश मिश्रा, ये तीनों मिलके वहाँ पे गए थे शाम को। वहाँ पे घर पे छापा मारे थे, वहाँ पे लोकल के स्टाफ भी, हमारे रेंज के स्टाफ भी आए थे, छापा मारे थे। वहाँ पे 49 लेसर विजलिंग डक बोलता है उसको, हिंदी में पटेर पक्षी बोलता है वो, तो जो प्रतिबंधित है। और इसके साथ तो 3 लिटिल एग्रेट है, 1 कैटल एग्रेट है, ये बगुला बोलता है उसको, तो लेके आए थे, पक्षी को लेके आए थे, और शिकार को भी, जो शिकारी है उसको भी लेके आए थे। हम जो शिकारी को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उनको तो जेल के भेजने की कार्रवाई हो रही है। कितने लोग पकड़े गए सर, कितने शिकारी? एक शिकारी पकड़े गए हैं, हमको सूचना मिली कि एक और भी है, उसको भी पकड़ने के लिए तो हम प्रयास में हैं, पूरा स्टाफ को भेज चुका है, आजकल में पकड़ के उनको भी जेल कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर।